गाइस वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले पापा, आई एम धनंजय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज स्ट्रेंथ में मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे लिखने और वो आपको करने को कहा था, ठीक है। आप सभी ने कर लिया होगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखा करिए कि जो भी आप होमवर्क किया करिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर डाला करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे ये पता चले कि आप सभी होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपको, ठीक है, आज मैं आपको नेक्स्ट आपको जो आपकी एक्सरसाइज है एड्स, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ वर्ड्स नीचे से मैंने लिखे होंगे जो बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मान लो रुथ हो गया तो आपने कर लिए होंगे रुथ, ठीक है। बीच वाला है ये आपका थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो ये सब आपने कर लिए होंगे। मैं आपको बड़े बड़े कुछ जो वर्ड्स है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है आपका पोस्ता, तो पा सा ता, ठीक है, पोस्ता आपने लिख दिया। अब पोस्ता में क्या है कि आपको ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ओ की आपको कहाँ हो गई, यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ता में अगर लगी हुई है तो ता में क्या है, पहला है, तो ता में आपका ये लगा दिया, ठीक है। आपका पोस्ता हो गया रास्ता में, रास्ता, ठीक है, रास्ता पहले पे है, ता में यहाँ पे हो गया, ठीक है। धमकी, धमकी, तो ये आपका तीसरे नंबर पे आ गया, धा ऐसे हो गया, समझ में आ रही बात। तवा की अगर हम बात करें तो ता वा, यहाँ पे आपका कर दिया, ठीक। तहा की अगर हम बात करें ता हा, ये आपका लग गया, लग के स्टूडेंट समझ में आ रहा है। मैंने आपको बताया था आ आ, ठीक है, आ में आपका डॉट रहेगा डार्क, यहाँ पे आपका ये लगेगा आ, और ये आपका ओ था, ये आपका उ था, ठीक है। डार्क सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाएगा, आ ए और ए में आपका डार्क 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 में चलेगा, ये आपका डार्क का रूल था, लाइट में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। बस समझ में आ रही है, तो दाम हो गया तो दा डार्क हो जाएगा, मा और दा में ये हो गया, ठीक है। आदमी आपका हो गया, तो आदमी में क्या था, दा मी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई में आपका क्या आ रहा है, ई में आपका आ रहा है डॉट वाला, यहाँ पे ई में डॉट आएगा, ठीक है। आप लोग ने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, यहाँ पे ये भी आपका यहाँ क्या था, यहाँ पे डॉट आपका था, ठीक है, यहाँ पे डॉट आ गया, और आ है तो आ का यहाँ पे डार्क आपका आगे हो जाएगा, समझ में आ रही बात। आ, ये आपका आ हो गया, ये डा हो गया, ये मा हो गया, ए की मात्रा, ठीक है। थकना हो गया तो था का ना, था में ये कट, था और का में कुछ नहीं है, ना में है तो ना के पहले में। थोक हो गया था का, ये थो आपका ये लाइट में है, कट मार दिया, ओ है, ओ यहाँ पे हो गया थोक। तट हो गया ता टा, ताप हो गया ता पा, यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक। माप हो गया मा प, मा में आपका यहाँ लग जाएगा। रुकना, रू क ना, आपका समझ में आ गई बात। तो रू जो है ऊ जो आपका लग रहा है तीसरे स्थान पे आपका ऊ आ जाएगा, ठीक है, आपका ये आ गया ऊ। क हो गया, ना में आपका ये आ जाएगा। झुकना हो गया, ठीक है, तो झा का ना, झा आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आपका लाइट है का, ठीक है, ना, तो झुकना में आपका क्या हो गया, ऊ आ गया, तो ये आ गया, और ना में आपका ये आ गया। स्टूडेंट समझ में आ रही बात। अब पा है, पा रा ना, तो ये रा होता है तो कट कर देंगे तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है, ना आपका है तो यहाँ पे आपका ना हो गया। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। जितने भी लोग देख लीजिए, ये मैंने बड़े बड़े कुछ वर्ड्स बता दिए और छोटे छोटे आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो बाकी के जो भी वर्ड्स है वो आप करके आप ध्यान से फोटो की जरूर टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर डाला करो, जिससे ये पता चल सके कि आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, नए अगर हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जो फाइनेंशियली जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, वो इस तरीके से स्टैनो की ऑनलाइन क्लासेस लेके वो अपने घर में प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टैनो में आपका रिटर्न आपका होता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट जो आपका होता है वो आपका स्किल होता है, और इसके बाद आपका जो होती है वो जॉब आपके हाथ में आपके हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ आपको दो चीजों पर फोकस करना है, रिटेन और स्किल। मेन जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो आपका स्किल रहता है, ठीक है। तो बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग होमवर्क जरूर किया करिए, कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की। 6 मंथ में आपका कोर्स जो है मैं आपको हर हाल में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में मैं ला दूंगा, अगर आप टाइम टू टाइम अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक है।